दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिनकी कई पीढ़ियां हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैं और साथ ही साथ इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है फिल्मी जगत में। जैसे कि इनके परदादा पृथ्वीराज कपूर, जिनको हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में से गिना जाता है। इनके दादा राज कपूर से कौन परिचित नहीं है, वो एक उम्दा और प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये अभिनेत्री अपने परिवार की पहली बेटी है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। ये अभिनेत्री है करिश्मा कपूर। इनके बारे में ये भी कहना गलत नहीं होगा, जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि इन्होंने सच में फिल्मों में आकर करिश्मा ही कर दिया था। इनके करियर के बारे में जानने से पहले थोड़ा जान लेते इनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में। इनका जन्म हुआ 25 जून 1974 को मुंबई में। इनके पिता हैं रणधीर कपूर और माता जी हैं बबीता कपूर, और दोनों ही एक्टर हैं। इनके चाचा ऋषि कपूर और राजीव कपूर थे, और वो भी अभिनेता थे। इनकी चाची नीतू सिंह भी अभिनेत्री रह चुकी है। साथ ही साथ इनकी बहन करीना कपूर और कजन रणबीर कपूर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनका फिल्मी जगत में आने का भी किस्सा बड़ा रोचक था। इनके पिता ही नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम करें, पर इनकी मां ने इनका बहुत साथ दिया और नतीजा ये निकला कि इनके माता पिता को इस वजह से अलग भी रहना पड़ा और इनके माता जी ने इनका पालन पोषण किया। फिर साल 2007 में इनके माता पिता फिर साथ आ गए थे। करिश्मा ने अपना स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से किया और आगे की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की तरफ रुख कर लिया ताकि अपनी मां को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। इनके करियर की बात करें तो 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना डेब्यू किया फिल्म प्रेम कैदी से साल 1991 में। उसके बाद बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया, जैसे जिगर, अनारी, राजा बाबू, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, जीत। फिर साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने तो आग ही लगा दी, और 1997 की मूवी दिल तो पागल है भी बहुत कामयाब रही। फिर क्या था, करिश्मा ने अपने आप को स्टार के तौर पर स्थापित कर लिया बॉलीवुड में। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, दिल तो पागल है फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला करिश्मा को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। करिश्मा ने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ 5 कॉमेडी मूवी की, जैसे जुड़वा, हीरो नंबर वन, बीबी नंबर वन, हसीना मान जाएगी। उसके बाद कॉमेडी फिल्मों में भी करिश्मा ने अपना करिश्मा दिखा दिया। गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। फिर करिश्मा नजर आई मल्टी स्टार्टर फिल्म हम साथ साथ में हैं, जो कि हिट साबित हुई। उसके बाद इन्होंने फिल्म फिजा किया साल 2000 में, और फिजा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे। और अगले ही साल 2001 में करिश्मा नजर आई फिल्म जुबैदा में। इस फिल्म में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए। आगे चलकर करिश्मा ने एक डेली शो में भी काम किया जिसका नाम था करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी। इस तरह से अपने उम्दा प्रदर्शन से करिश्मा ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया। अब बात करें इनके लव लाइफ की, तो इनमें कहीं ना कहीं ये अनलकी ही रहे। साल 1992 में जिगर के को स्टार अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में आई, पर 3 साल ये रिश्ता चलने के बाद 1995 में टूट गया। फिर साल 2002 में अभिषेक बच्चन के साथ इनका रोका भी हो गया था, पर बाद में ये रोका भी टूट गया। फिर 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से इन्होंने शादी कर ली। ये शादी भी सही जा रही थी और शादी से इनके 2 बच्चे भी हुए, पर कुछ समय बाद कुछ मुश्किलें आने लगी इनकी शादीशुदा जिंदगी में, और साल 2014 में इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दी और 2016 में ये डिवोर्स फाइनल हो गया। तब से करिश्मा अपने बच्चों के साथ इंडिया में ही रहती है। शादी के बाद करिश्मा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, पर साल 2012 में इन्होंने कमबैक किया फिल्म डेंजरस इश्क से, और हाल फिलहाल ये नजर आई थी वेब सीरीज मेंटल हुड में भी। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे रियलिटी शोज को भी जज किया है। ये तो रही करिश्मा कपूर के जीवन की कहानी, जिनको अपने पिता के अगेंस्ट जाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बहुत कामयाब साबित भी हुई। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।